यहां से महारानी कौशल्या का कक्ष कुछ ही पल दूर है, किंतु क्या इस आयु में मैं ये दूरी पार कर पाऊंगा? यदि पार कर भी ली तो क्या मैं श्री राम को ये बता पाऊंगा कि मेरे कानों ने क्या सुना है? पुत्र, तुमको सबसे पहले कैकेयी के पास जाकर उसके चरण छूने चाहिए थे। तुम पर मुझसे पहले कैकेयी का अधिकार है। जानता हूँ माता, किंतु आप ज्येष्ठ माता हैं, इसलिए पहले यहाँ चला आया। अब यहाँ से सीधे छोटी माँ के पास जाऊंगा और उनके चरण कमलों की पूजा करूंगा। शीघ्र ही उसके पास जाओ, तुम जानते हो वो तुमसे कितना प्रेम करती है। महाराज ने अभी उसे ये शुभ समाचार भी नहीं दिया कि तुम आज युवराज बनने वाले हो। वो सुनेगी तो प्रसन्नता से पागल हो जाएगी। हे राम, महारानी कैकेयी ने आपको बुलाया है। देखा माता श्री, छोटी माँ मेरे बिना कितनी व्याकुल रहती हैं। महामंत्री सुमंत, आपकी आंखों में अश्रु, यह आपकी क्या दशा हो रही है? महाराज कहाँ हैं? सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज भी महारानी कैकेयी के पास हैं। किंतु आप इतने हताश क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं महारानी, कदाचित आज जीवन में पहली बार वो दिन आया है जब जिह्वा वाणी को, वाणी शब्दों को और शब्द अर्थ को ढूंढ रहे हैं, किंतु किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा। आज ऐसा क्या हो गया महामंत्री, बताइए तो सही। अब श्री राम नहीं, राजकुमार भरत युवराज बनेंगे। कई का आदेश है। सत्य महामंत्री, सत्य। माता, छोटी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। उन्हें मेरे हृदय की सारी बातें ज्ञात हैं। उन्हें ज्ञात है कि मैं राजनीति के बखेड़े में पड़ना ही नहीं चाहता, और वास्तव में इस पद के लिए भारत मुझसे अधिक योग्य है। किंतु हे रघुनंदन, इसके अतिरिक्त कुछ और भी है। क्या? वो आपके पुत्र को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना चाहती है। मेरी छोटी माँ ने ऐसा कहा है तो अवश्य ही इस निर्णय का मेरे जीवन में कोई महत्व होगा। चलिए महामंत्री जी, मैं चलता हूं आपके साथ।
सुनो कैकेयी, इससे पहले कि राम यहां आ जाए तुम अपना वर वापस ले लो। देखो मैं तुम्हें एक वचन और देता हूं, मैं राम को लेकर अयोध्या से कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा और जब तक तुम न चाहो हम यहां कदापि वापस नहीं लौटेंगे। ये तो तुम्हें स्वीकार है ना? नहीं, मुझे स्वीकार नहीं। इन दो बातों के अतिरिक्त मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं। माताश्री, सुन लिया है ना तुमने? अयोध्या के युवराज तुम नहीं होगे, मेरा पुत्र भरत होगा। हाँ सुन लिया माता, और मेरा विश्वास कीजिए मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं रही। स्वयं मेरी हार्दिक इच्छा यही थी माता कि यह पद मेरे प्रिय अनुज भरत को मिले। वो इसके योग्य भी है और फिर राजनीति का संस्कार भी जानता है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं माता। तो फिर ये भी सुन लो, महाराज के दिए हुए वचन के अनुसार तुम्हें आज ही अयोध्या छोड़कर वन जाना होगा और 14 वर्ष के लिए वन में ही रहना होगा। माता, मुझे वन भेजकर आप मुझ पर उपकार ही कर रही हैं। मैंने सुना है कि वनवासी बहुत निर्धन होते हैं, बड़ा कष्टदायी होता है उनका जीवन। कईयों के तन पर न वस्त्र और न पेट में अन्न का एक दाना होता है। मुझे उनके मध्य में रहकर उनकी यातनाओं, उनके दुख को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। उनके कष्टों का निवारण करने के कुछ उपाय सोचने का अवसर मिलेगा। माता, ऐसा उपकार तो मुझ पर आप ही कर सकती थी जो मुझ पर इतना स्नेह करती हैं। मैं आपका धन्यवाद किस प्रकार दूं? नहीं पुत्र, नहीं। दुष्टा की बातों में मत आना। ए नहीं पुत्र। पिताश्री, 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 आपसे पिताश्री? हाँ पुत्र। पिताश्री, क्या किरण सूर्य से विद्रोह कर सकती है? सुगंध पुष्प से विद्रोह कर सकती है?
क्या ताप अग्नि से विद्रोह कर सकता है पिताश्री? और ये सब वो अयोध्या नरेश कह रहे हैं जिन्हें संसार एक आदर्श राजा मानता है, जिन्हें मैं एक आदर्श पिता मानता हूं। एक ऐसा पिता जो पुत्र प्रेम के कारण वचन भंग करके नरक गामी होने को तैयार है। नहीं पिता महाराज, नहीं, आपका ये पुत्र इतना स्वार्थी नहीं है पिता महाराज, जो राजपाट के लिए अपने पिता का एक छोटा सा वचन न निभा सके। नहीं पुत्र, नहीं, नहीं राम, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा पुत्र। राम, नहीं राम, नहीं पुत्र, इसकी बातों में ना आना पुत्र। आपका आदेश सिर आंखों पर माता, आपका आदेश सिर आंखों पर। मैं वन प्रस्थान करने की तैयारी करता हूं माता, बस आशीर्वाद दे दीजिए। राम, मेरे प्राण, मुझे छोड़कर मत जा। नहीं राम, राम मेरे पुत्र, रुक जा, मत जा पुत्र, मत जा, रुक जा, रुक जा मेरे पुत्र, रुक जा, रुक जा, मत जा पुत्र, मत जा। लड्डू खाओ, तुम भी खाओ। रुको रुको, आज का दिन बहुत शुभ है, तुम भी खाओ। रुको 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 भाई, ये लो तुम भी खाओ। तुम्हें पता है श्री राम के स्थान पर मेरे मेरे भरत युवराज कहलाएंगे। हाँ खाओ खाओ और खाओ, आज का दिन बहुत शुभ दिन है, मेरे भरत युवराज कहलाएंगे। हाँ। बधाई हो राजकुमार, श्री राम के स्थान पर आपके भ्राता भरत युवराज कहलाएंगे। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अनुज, भ्राता श्री, ये बुढ़िया क्या बकरी थी, क्या बकरी थी ये? आपकी सौगंध, यदि ये नारी और वृद्धा नहीं होती तो मैं इसकी जीभ और शीश दोनों काटकर फेंक देता। क्रोध की ऐसी ही अवस्था में राजपुत्रों की मर्यादा की परीक्षा होती है अनुज, और राजपुत्र क्रोध में अपनी मर्यादा को कभी नहीं भूलते। मंथरा दासी है, तुम एक राजकुमार, तुम्हें अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। परंतु भ्राताश्री, वो बात ही ऐसी कर रही थी जिसे सुनकर मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सका। वो झूठ बोल रही थी भ्राताश्री, झूठ बोल रही थी वो। नहीं अनुज, वो सत्य कह रही थी। क्या ये सत्य है कि आप? हाँ अनुज, पिताश्री ने माता कैकेयी को दो वचन दिए हैं, अनुज भरत को अयोध्या का सिंहासन
और मुझे 14 वर्षों का वनवास। आपको 14 वर्षों का वनवास? हाँ अनुज। किंतु उन्होंने ऐसे वर क्यों मांगे? इसलिए कि पिताश्री ने वचन दिए थे और माता कैकेयी को वर मांगने का अधिकार था। भ्राताश्री, मैं इसका विरोध करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो अनुज? भ्राताश्री, मैं ठीक कह रहा हूं। यदि माता कैकेयी को वर मांगने का अधिकार था तो मुझे भी विरोध करने का अधिकार है। नहीं, यदि ऐसा करोगे तो तुम माता कैकेयी का नहीं, स्वयं अपने पिताश्री का विरोध करोगे। अनुज, माता ने वर मांगे, पिता ने अपना धर्म निभाया, अतः किसी एक का विरोध अपने आप ही दूसरे का विरोध होगा। परंतु भ्राताश्री, यह सर्वथा अनुचित है। अपने माता पिता के किसी भी कार्य को उचित अनुचित की कसौटी पर कसना पुत्र धर्म के विरुद्ध है अनुज। जिस प्रकार धूप के रहते छाया काया से विमुख नहीं हो सकती, उसी प्रकार जीवन में पुत्र पिता के धर्म से विमुख नहीं हो सकता। परंतु भ्राताश्री, अनुज, ऐसा कौन सा सुख है इस जीवन का जो इस पिता ने हमें नहीं दिया? क्या ऐसे पिता को देने के लिए हमारे पास दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं है? नहीं अनुज, सौभाग्यशाली होता है वो पुत्र जिसे जीवन पिता के वचन को निभाने का सुवर्ण अवसर प्रदान करता है। आज जीवन में प्रथम बार मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं।